Why our views are become low after a viral video? आखिर हमारे एक वीडियो वायरल हो जाने के बाद जो हमारे व्यूज है वो धीरे धीरे कम क्यों होने लगते हैं? तो दोस्तों इसका काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपके ही काम करने के तरीके में है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो हमने पुराने समय में गलत कर दी हैं, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे उसे गलत नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरे व्यूज थे वो काफी ज्यादा डाउन हो गए ये गलती करने के बाद, जो गलती के बारे में मैं आपको बताने वाला। सबसे पहले आप दोस्तों प्रूफ देख लीजिए आखिर मेरे व्यूज कैसे कम हो गए थे और मैंने क्या गलतियों को अवॉइड किया है जिससे अब मेरे व्यूज दोस्तों अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। मैं दोस्तों आपको ये नहीं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे मिलियन व्यूज लाएं, कैसे लाख पे व्यूज लाएं, पर दोस्तों मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि कैसे व्यूज लाएं। व्यूज लाना ही सबसे बड़ी बात होती है, ज्यादा व्यूज हो चाहे वो कम हो। अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे 5-10 वीडियो पहले, वहां पर जो व्यूज थे दोस्तों मेरे 38, 40, 50 मुश्किल से हुआ करते थे, पर दोस्तों अभी के समय में जो मेरे व्यूज हैं वो यहां पर दोस्तों 1,000, 500, 400, 200 यानी 100 के पार हो ही जाते हैं 2 से 3 दिन के अंदर। मैं अगर अपने पिछले वीडियो के बारे में बताऊं दोस्तों, वहां पर 50 व्यू पर मुझे एक सब्सक्राइबर मिला, इसका मतलब हमारा जो वीडियो है अब वो नए लोगों तक पहुंचने लगा है। बट जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी दोस्तों वो क्या थी कि आखिर हमारे जो व्यूज डाउन क्यों हो रहे हैं? पहले आपको मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूं। दोस्तों जब भी आपका कोई एक वीडियो वायरल होता है तब आप ढंग से बैठ जाते हो, यानी कि अब आप काम करना बंद कर देते हो। यानी कि अगर आपको कोई सा भी वीडियो वायरल दिखता है तो आपको क्या करना है, आपको उसी वीडियो के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाते रहने हैं उसी टॉपिक के ऊपर उसी जॉनरा में। नहीं तो होगा क्या दोस्तों, जो आपके व्यूअर्स आ रहे हैं नया कंटेंट देखेंगे और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपके वीडियोस को देखना बंद कर देंगे बिल्कुल से। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप उसी तरीके के वीडियोस को बनाते रहो जो वीडियो आपका वायरल हुआ है। इससे होगा क्या दोस्तों, आपके जो कंटेंट को देखने वाले व्यूअर्स हैं वो आपके रेगुलर हो जाएंगे। इसी तरीके से YouTube भी आपके अलग अलग लोगों तक रीच पहुंचाता रहेगा और आपको नए व्यूअर्स भी मिलते रहेंगे। अब दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यूट्यूबर्स जरूर से जरूर करते हैं, जो मैंने भी किया था और मैं भुगत रहा हूं आज तक, बट अब मैं थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगा हूं। अपने 4 साल के यूट्यूब एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर जब भी आपका चैनल पे कोई भी वीडियो वायरल हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको उसी पे तो वीडियो बनाते रहना है, बट जो आपके पिछले वीडियोस हैं उनको कभी भी अवॉइड मत करना। क्योंकि दोस्तों जो आप पिछले वीडियोस बनाते हो, अब आप सोचते हो मेरा इसी पे वायरल हो गया, अब मैं इसी पे कंटेंट बनाना चालू कर दूं और पिछले वीडियोस को डिलीट कर दूं। दोस्तों सबसे बड़ी गलती एक यूट्यूबर की यही होती है कि वो अपने पिछले वीडियोस को डिलीट करना चालू कर देता है। यहाँ पर जो भी नए यूट्यूबर्स आते हैं वो 5-6 तरह की वीडियो बनाती है। यहाँ पर 500 तरीके की वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर पड़े हैं जो कि एक ही चैनल पर 500 किस्म की वीडियो बनाते हैं। ऐसा करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप ग्रोथ के फेज में हो, मतलब आप अभी सीख रहे हो, तो आपको सीखना होगा कि आप किस में बेटर कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आपका कोई सा भी एक वीडियो वायरल हो जाता है, आप उसमें अच्छे भी हो जाते हो और जो चाहते हो कि आप उसी पर ही वीडियो बनाते रहो, बट आपको पुराने वीडियोस को डिलीट नहीं करना है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए दोस्तों, अपने वीडियोस को प्राइवेट कर दीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, यूट्यूब को भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप वीडियोस को डिलीट करते हो तो यूट्यूब पर भी इफेक्ट पड़ता है और वो आपकी रीच को डाउन कर देता है। वो क्यों डाउन कर देता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि अब इस चैनल पे जो वीडियोस डिलीट हो रही हैं आखिर क्या फायदा होगा हमारा रीच देने का, इनपे तो कॉन्टेंट ही नहीं है। 10 से 15 वीडियोस जो है वो अच्छे नहीं होते यूट्यूब पर, क्योंकि अगर आपको फेसबुक ग्रोथ लेना है तो आपके चैनल पर वीडियोस होने ही चाहिए। और जो गलती यूट्यूबर्स कर देते हैं वीडियोस डिलीट करने का, आप उसे मत करिए। जैसा मैंने बताया आपको कि आप प्राइवेट कर दीजिए, जैसा आप प्राइवेट करते हो तो वहां पर आपको एक लिंक मिल जाती है, प्राइवेट मत करिए अनलिस्टेड कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब था अनलिस्टेड, प्राइवेट करने से क्या होगा आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप देख पाओगे, बट आप अनलिस्टेड कर दीजिए। यहां से होगा क्या दोस्तों, आपको एक लिंक मिल जाएगी, आप लिंक को शेयर करके अपने अबाउट सेक्शन में कॉपी कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए वहां पर ले जाकर। इससे होगा क्या दोस्तों, अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा आपके वीडियोस में, अगर वो देखना चाहता है कि आप किस तरह से वीडियोस बनाना शुरू किए थे और किस फेज पर आप पहुंचे हो, तो वो आपके अबाउट सेक्शन से लिंक में जाकर क्लिक कर लेगा। इससे आपके उन वीडियोस पर भी व्यूज आते रहेंगे और वो आपके चैनल पर परमानेंटली रहने भी वाला है। बट दोस्तों जो आपके पब्लिक वीडियोस है वो उनमें नहीं दिखेगा, आपका यही प्रॉब्लम है कि वो वीडियोस ना दिखे तो दोस्तों वो नहीं दिखने वाला है। इससे होगा क्या, यूट्यूब पर आपके रीच को कभी कम नहीं करेगा और आपके रेगुलर व्यूज आते रहेंगे। तो होप करता हूं गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बट अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए यूट्यूब के बारे में, तो व्यूज कैसे आते हैं या फिर आखिर हम थंबनेल टाइटल ये सब कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसके बारे में अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो फिर मैं नहीं बनाने वाला हूं वीडियो। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए
और जो भी यूट्यूबर दोस्त आपका ये गलती करने वाला है कि वो वीडियो को डिलीट करना चाहता है या फिर वो आपकी वीडियो वायरल होने के बाद अब बैठ चुका है अपने वायरल वीडियो को देख रहा है कि अब तो मैं फेमस हो गया, तो दोस्तों उस तक भी वीडियो जरूर पहुंचाइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।